वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते। मित्रों, हमने पूर्व के वीडियोस में चर्चा किया था राष्ट्रीय न्यास के निरामय योजना की, जो सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म और मानसिक मंदित बंधुओं से संबंधित थी। हम जितनी चर्चा कर चुके हैं उससे आगे बढ़ेंगे। आज निरामय योजना आप जानते हैं साल भर की होती है, यानी अगर आपने जिस सत्र में अपना पंजीकरण किया है, अपना नामांकन कराया है, वह योजना उस सत्र के 31 मार्च तक ही वैध होती है। इसलिए आपको अपनी निरामय स्कीम का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि आप अपना नवीनीकरण करा लें। यह नवीनीकरण 31 मार्च के पहले, यानी जब सत्र समाप्त हो रहा हो उसके 3 माह पहले ही आवेदन कर देना चाहिए। आवेदन करने के लिए आप पंजीकृत सोसाइटी, जो पंजीकृत संगठन है नेशनल ट्रस्ट से, आप उसके पास जाएंगे। आप जब पंजीकृत संगठन के पास जाते हैं तो वह पंजीकृत संगठन नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर, पोर्टल पर जाकर के आपके नवीनीकरण का आवेदन करते हैं। आप द्वारा दिए गए प्रपत्रों को वो अपलोड करते हैं। चूंकि 3 महीने पहले ही नवीनीकरण के लिए आवेदन देना होता है, इसलिए जो शुल्क की स्थिति है वो भी स्पष्ट है। जो बीपीएल के बंधु हैं उनको ₹50 शुल्क देना होता है, साथ में उनको बीपीएल कार्ड भी लगाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है, पते का प्रूफ भी लगाना है। शुल्क का भुगतान अगर ट्रेजरी चालान के माध्यम से हुआ है तो उस भुगतान की रसीद वहां पर प्रस्तुत करनी होगी। अगर बीपीएल श्रेणी का वह दिव्यांग व्यक्ति नहीं है तो उसे ₹250 का शुल्क देना होगा, साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध सर्टिफिकेट, पते का सबूत होगा। ऑनलाइन नहीं किया है तो ट्रेजरी चालान से किया है उसकी रसीद की प्रति रहेगी। ऐसे बंधु जो दिव्यांग हैं, उनके केयर टेकर हैं, कोई अभिभावक नियुक्त हुए हैं माता पिता को छोड़कर, उनको कोई शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन कार्यवाही पूरी करनी होती है, यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र रहेगा वैध, साथ ही पते का प्रूफ रहेगा, और उनका जो अभिभावक नियुक्त हुआ है नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अधीन उसकी प्रति रहेगी। और इस प्रकार से वे अपने निरामय योजना का लाभ पाने के लिए नवीनीकरण करा पाएंगे। उनका नवीनीकरण हो गया है इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से जो वेरिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसको दे दी जाएगी। निरामय योजना का नवीनीकरण कैसे कराएंगे, क्या प्रक्रिया होगी, इसके संदर्भ में आज की बात यहीं तक। अगले वीडियो में फिर कभी आपसे मिलेंगे और वहां पर चर्चा करेंगे कि जो दावे की राशि है जो आपने ओपीडी में दिखाया है या कुछ और इलाज कराया है, उसकी दावे की प्रतिपूर्ति कैसे होगी, किससे होगी, कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो शिकायत हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किन्हीं कारणों से नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, स्वयं को वंचित रखा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बंधुओं से भी कहें को सब्सक्राइब करके इंफॉर्मेटिव जानकारी लें। आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।